1997 बैच के तीन आईपीएस अधिकारी संजय गुंज्याल, अमित सिन्हा और वी मुरुगेशन की हुई डीपीसी। 1 जनवरी से एडीजी के पद पर होंगे प्रमोट, जहां 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी केवल खुराना और विमला गुंज्याल डीआईजी से बनेंगे आईजी। इसके साथ ही आईपीएस निवेदिता कुकरेती, पी रेणुका देवी और बरिंद्रजीत सिंह 1 जनवरी से डीआईजी पद पर होंगे पदोन्नत। उत्तराखंड शासन में आज हुए पुलिस अधिकारियों को डीपीसी, 8 आईपीएस अधिकारियों को डीपीसी के बाद मिला प्रमोशन, जहां संजय गुंज्याल का नाम भी इसमें शामिल है। अमित सिन्हा और मुरुगेशन की गाड़ियों में अब 3 स्टार लगते हुए नजर आएंगे, एक अहम भूमिका और यहां जिम्मेदारी प्रमुख अब उनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्रमोशन पाकर बने एडीजी दिलीप सिंह कुंवर और ददन पाल के कॉलर्स का लग गया कॉलर बैंड। 1 जनवरी से 8 आईपीएस अधिकारी प्रमोशन पाकर संभालेंगे अब नई जिम्मेदारी, जहां आईपीएस निवेदिता रेणुका देवी का भी नाम शामिल है, जो 1 जनवरी से डीआईजी पद पर अब पदोन्नत होंगे। 8 आईपीएस अधिकारियों की डीपीसी हुई है, जहां उनको प्रमोशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया। उत्तराखंड शासन में आज हुई पुलिस अधिकारियों की डीपीसी, जिसमें तमाम नाम भी शामिल है। 1997 के ये बैच बताए जा रहे हैं। 1 जनवरी से एडीजी के पद पर प्रमोट यहां पर किए जाएंगे, तो नए साल पे एक बड़ा तोहफा यहां पर दिया जा रहा है, जहां खुराना और विमला गुंज्याल डीआईजी से आईजी बनेंगे। आईपीएस निवेदिता रेणुका नांग का नाम भी शामिल है, जो 1 जनवरी से डीआईजी पद पर पदोन्नत होंगे और एक अहम जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, जिसमें फिलहाल 8 आईपीएस अधिकारियों की डीपीसी हुई है। उनकी सूची भी जारी की कर दी गई है, जिनको पदोन्नत देती हुई यहां सरकार नजर आई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा आईपीएस अधिकारियों को दिया गया है, जो 1997 के बैच है, जिसमें तमाम नाम शामिल हैं। उन 8 नामों पर यहां पहले काफी लंबे समय से मंथन चल रहा था, जिनको अब आखिरकार डीआईजी यानी कि पदोन्नत कर दिया गया है।